नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है DSR जोन में। मित्रों, आज हम आपको एक मुट्ठी चावल से होने वाला एक बहुत ही ताकतवर उपाय बताएंगे, जिसे आप कर लें, आपका कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन, कोई भी इंसान जिसकी वजह से आप परेशान हैं, किसी से आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं या उसे आप दर्द देना चाहते हैं, आप इस टोटके से, इस उपाय से कर सकते हैं। बड़ा ही सरल और बड़ा ही शक्तिशाली यह उपाय है। मित्रों, मिनटों में असर करता है। सिर्फ एक रात का ये उपाय है, आपने 5 मिनट का ये उपाय करना है और बस आपका शत्रु, आपका दुश्मन भिखारी बन जाएगा, कंगाल हो जाएगा। सारी खुशियां उससे छिन जाएंगी और जितने भी उसके कार्य हैं सब ठप पड़ जाएंगे, पनप नहीं पाएगा अपने जीवन में। मित्रों, आपका बुरा सोचने वाला खुद अपनी तबाही का इंतजाम कर लेगा। क्या करना है आपने? इस उपाय को मित्रों आप किसी भी दिन कर सकते हैं। करना आपने रात के समय है, सोने से पहले। रात का खाना खाने के बाद आपने यह उपाय करना है। उपाय को मित्रों ध्यानपूर्वक अंत तक सुने, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। क्या करना है आपने? रात के समय एक मुट्ठी चावल, जितना आपके दाहिने हाथ की मुट्ठी में चावल आ जाए, आपने निकालने हैं। और एक या तो सफ़ेद रंग का बड़ा कागज़, साफ, बिल्कुल साफ कागज, या कोई कपड़ा ले सकते हैं सफ़ेद रंग का, रुमाल हो रुमाल ले लें। उस रुमाल में एक मुट्ठी चावल रख लें और साथ में आपने मित्रों रखनी है एक धातु। धातु का अर्थ यहाँ से है, या तो आप कील रख लें, कोई कील आपके घर में पड़ी हो, पुरानी नई जैसी भी हो, जंक लगी भी हो चलेगी, आप वो रख दें। या आपके पास कुछ ना हो ऐसा, तो आप 1 रुपये का सिक्का रख दें नाम मात्र के लिए, उसके अंदर चावल में रख दें। उसके बाद इस रुमाल को, कपड़े को या कागज़ जो भी हो उसे बंद कर दें, फोल्ड कर दें ठीक प्रकार से, गांठ ना लगाएं। और रात को जब आप सोएं, यानी जब भी आप क्रिया कर रहे हैं उसके बाद आप जब सोने जाएंगे, तो आपने ये जो कपड़ा है ये अपने जो भी बिस्तर है आपका, जो भी आपका पलंग है, बेड है, जो भी है, उसके नीचे रख दें। गद्दे के नीचे या चद्दर के नीचे नहीं रखना आपने, उसके बिल्कुल नीचे ज़मीन पर रखना है। आपने ज़मीन पर पैर की तरफ रखना है, सिर की तरफ ना रखें। नीचे छुपा दें, अपने बेड के नीचे छुपा दें ऐसे। अब आपने क्या करना है, जब आप सोएं उस समय आपने लेटे लेटे बिस्तर पर यह उपाय कर लेना है। लेट जाएं, आपके पैर की तरफ नीचे ये रुमाल और ये चावल रखे हुए हैं, कपड़ा जो भी आपने रखा हो, कागज कपड़ा, आपने एक मंत्र का लेटे लेटे उच्चारण करना है मन ही मन। और क्या बोलना है मित्रों? ओम अमुक शत्रु दरिद्राय फट स्वाहा। ओम अमुक शत्रु दरिद्राय फट स्वाहा। अमुक के स्थान पर आपने उस व्यक्ति का मुख्य नाम लेना है जिसके लिए भी आप इसे कर रहे हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। मित्रों, जब आप उपाय बोलें, अपने शत्रु का चेहरा एक बार अवश्य सोचें। अब आप सो जाएं। सोने के बाद मित्रों, जब आप सुबह उठें, सबसे पहला कार्य आपने यही करना है, बिस्तर से उठें, नीचे उतरें, सबसे पहले ये रुमाल, कपड़ा, कागज जो आपका है इसे लें और घर से बाहर जाएं। घर से बाहर जाने के बाद आपने इसे खोलना है एक बार, 3 दाने चावल के, 3 दाने उसमें से निकाल लेने हैं और वो 3 दाने आपने ज़मीन पर, जहाँ आप सबसे पहले इसे निकालेंगे, दरवाजे से बाहर जाकर कहीं भी एक जगह गिरा दें। और उसके बाद ये जो कपड़ा है, कागज़ है, जो भी है, इसको आप क्या करेंगे, किसी भी एक पेड़ के सहारे या पौधे के सहारे, ज़मीन पर कुछ भी हो, घास भी हो मित्रों, ऐसे स्थान पर हल्का सा जगह बनाकर दबा दें, मिट्टी में दबा दें, ऊपर से मिट्टी भर दें। ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं
और उसके बाद चुपचाप बिना किसी से बात किए वापस आ जाए। मित्रों, जैसे ही आप इतना कार्य कर लेंगे, आपका वो शत्रु, वो दुश्मन, उसी समय से उसके ऊपर इसका असर होना चालू हो जाएगा और वो हो जाएगा पूरे तरीके से कंगाल। उसके जितने रास्ते धन लाभ के होंगे, परिवार में जितने उसके संबंध होंगे, सब खराब होना शुरू हो जाएगा और उसको सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। नौकरी हो, व्यवसाय हो, जो कुछ भी वो करता हो, सब में नुकसान होगा और उसकी काया पलट जाएगी। मित्रों मित्रों, अब दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही सरल परंतु शक्तिशाली उपाय के साथ। ख्याल रखें अपना, खुश रहें।